गोल गोल बात करती हो, नॉट अ प्रॉपर आंसर, परफेक्ट नहीं मिल रहा है आंसर हमें, एनी वेज एज योर विश। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज हम एक वीडियो की कमेंट्स के कई सारे कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। तो ये जो डाउट्स हैं आप लोगों के, गोल गोल घुमाती हूँ, सही से जवाब नहीं देती हूँ, तो आज इस बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी कल ये कमेंट किया था गोल गोल घुमाती हूँ, तो वो शायद उनको यहाँ पर उनका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो देखने के बाद। वो जो वीडियो है वो मैंने सेप्टेम्बर में अपलोड किया था, क्योंकि मैं सेप्टेम्बर में गई थी गुजरात कैंसर के डॉक्टर दरगाह पर। वहाँ से दरगाह का पानी लेकर आए, ताबीज़ लेकर आए, और जो उन्होंने रूहानी इलाज बताया था वो भी किया घर आकर। और उसके बाद मैंने अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से, जो मेरे कीमोथेरेपीज के बाकी के जो साइकिल्स थे वो भी मैंने पूरे लिए। और उसके बाद मैंने हर अपना साइकिल अपलोड किया, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स साइकिल। उसके बाद बाकी के टॉपिक पर भी वीडियो बनाए मैंने, लेकिन इस टॉपिक पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था दरगाह के बारे में, दरगाह का वीडियो सिर्फ अपलोड कर दिया था। बहुत सारे कमेंट्स आते थे, रिप्लाई देती थी मैं, लेकिन वीडियो नहीं बनाया था। और वीडियो ना बनाने की वजह यही थी कि मैं नहीं चाहती थी कि जो हेटर्स हैं, जिनको नेगेटिव कमेंट्स करने की आदत होती है, वो इस तरह के कमेंट्स करें जिससे कि किसी जगह पर किसी जगह का अपमान ना हो, किसी की इंसल्ट ना हो। मैं नहीं चाहती थी, इस वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। और कमेंट्स फिर लोग इस तरह के भी कर देते हैं कि आप अंधविश्वास फैला रही हैं या फिर आप किसी धर्म का प्रचार कर रही हैं। तो ऐसा नहीं था कि मैं धर्म का प्रचार कर रही थी, ये आपकी आस्था का है कि आपको जाना है तो आप जाएं, ज़बरदस्ती तो मैंने अभी तक नहीं की किसी वीडियो में कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए। तो मैं धर्म का प्रचार तो नहीं कर रही थी, किसी भी रिलीजन का प्रचार नहीं कर रही थी मैं। हमेशा बस मेरी एडवाइस यही रहती है कैंसर को लेकर के आप लोग अवेयर रहें हमेशा। जब भी आपको पता लगे कि कैंसर है, किसी भी टेस्ट में पता चलता है, तो आप तुरंत उसका ट्रीटमेंट लें। अगर डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन के लिए, तो ऑपरेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑपरेशन करवा के उसको क्योर कर लेना चाहिए। या फिर कीमोथेरेपीज, अगर नेक्स्ट ट्रीटमेंट होते हैं कीमोथेरेपीज और रेडियोथेरेपी, तो वो ट्रीटमेंट भी आप लेकर कैंसर से क्योर कर सकते हैं जब आपको पता लगता है। तो आपको लापरवाही नहीं करनी है, और ना ही आयुर्वेदिक ना ही होम्योपैथिक कहीं आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। आपका कैंसर का जो ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, वो सिर्फ सर्जरी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से ही मिलता है। हमेशा मैं यही कहती आ रही हूँ, और हमेशा मेरी एडवाइस यही है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेकर ही कैंसर से क्योर किया जा सकता है। ओके, तो अभी बात करते हैं कि मैं दरगाह पर फिर क्यों गई, जब कहीं पर इसका ट्रीटमेंट नहीं है तो मैं क्यों गई। तो मैं दरगाह पर गई, अपनी मर्जी से गई, मेरा दिल बोला तो मैं चली गई। और जब मैं मुंबई गई थी अपने कीमोथेरेपीज के ट्रीटमेंट ले रही थी, तो साबू सिद्दीकी मुसाफिर खाना हमेशा रुकती हूँ, तो वहाँ मुझे एडवाइस दी गई थी कि एक बार आप वहाँ जाकर आइए। वहाँ पर बहुत सारे कैंसर के मरीज़ जाते हैं और उनको वहाँ से शिफा मिलती है, वो वहाँ से ठीक हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि ट्रीटमेंट के साथ साथ, अगर दवा के साथ साथ दुआएँ भी मिल जाएँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं सिर्फ ब्लेसिंग्स के लिए गई थी और देखने के लिए गई थी कि क्या वाकई सच में कैंसर के मरीज़ों को वहाँ से इलाज मिलता है, वो शिफा पाते हैं वहाँ। तो मैं गई थी गुंदाला गांव गुजरात में कैंसर के डॉक्टर दरगाह पर, और वहाँ जाकर देखा तो बहुत सारे कैंसर के मरीज़, हर तरह का कैंसर का इलाज वहाँ पर होता है, जो कि रूहानी इलाज होता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे जो पेशेंट्स थे, जैसे कि किडनी इन्फेक्शन था, गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन, कैंसर के अलावा डायबिटीज़ है, और जिनके बच्चे नहीं होते उनको कंसीव हो जाता है, तो इस तरह के भी पेशेंट्स वहाँ पर पहुँचे थे अपने ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन मोस्टली जो वहाँ मरीज़ जाते हैं वो सिर्फ कैंसर के मरीज़ ही पहुँचते हैं, बाकी इलाज तो वहाँ पर सबको मिलता है, सबको शिफा मिल जाती है, सबको वहाँ से फ़ायदा होता है। ओके, तो दरगाह पर जब हम पहुँचे तो वहाँ से हमने दरगाह का पानी लिया, और वहाँ पर ताबीज़ दिए जाते हैं, कैंसर का रूहानी इलाज बताया जाता है कि आपको घर पहुंचकर ये कैंसर का रूहानी इलाज किस तरह से करना है। दरगाह का पानी दिया जाता है और ताबीज़ वगैरह भी दिए जाते हैं। तो ये सारे आप लोगों के कमेंट्स हैं कि क्या मरीज़ का जाना भी ज़रूरी होता है दरगाह पर, क्योंकि पेशेंट्स की हालत ऐसी नहीं है कि वो दरगाह पर पहुँच पाए, तो क्या
उनके फैमिली के जा सकते हैं, इस तरह का भी एक कॉमेंट था। तो वही आज हम यहाँ पर सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे आप लोगों के। तो दरगाह पर जाने के लिए मरीज़ का जाना ज़रूरी नहीं है, अगर पेशेंट सीरियस हैं वो नहीं पहुँच पा रहे तो कोई ज़रूरत नहीं है उनको जाने की। उनके जो फैमिली के हैं वो दरगाह से पानी लेकर आ सकते हैं और जो रूहानी इलाज बताया जाएगा वो आप उनको घर पे लाकर करेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को उनको मरीज़ को शिफा ज़रूर मिलेगी। मरीज़ का जाना ज़रूरी नहीं होता दरगाह पर, मरीज़ को अगर प्रॉब्लम है तो उनके जो फैमिली के हैं वो दरगाह पर जा सकते हैं, वहाँ से पानी ला सकते हैं और जो रूहानी इलाज बताया जाएगा वो घर आकर मरीज़ के लिए करेंगे तो बेशक मरीज़ उससे शिफायाब हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम भी पहुँचे थे, मैं भी दरगाह का पानी लेकर आई और जो रूहानी इलाज बताया गया था वो भी मैंने किया और किया मैंने। उसके बाद जो बाकी के साइकिल्स थे कीमोथेरेपीज के वो भी मैंने लिए, तो रूहानी इलाज के साथ साथ मैंने कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट भी लिया है, मैंने ये एलोपैथिक इलाज भी करवाया है अपना कैंसर के लिए। तो यहाँ दरगाह पर ऐसा नहीं है कि आप दरगाह पर पहुँचेंगे तो आपका ट्रीटमेंट आप बंद कर दें, आपका जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू रखिए आप लोग। दरगाह से सिर्फ आप दुआ ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक डाउट और है कि कौन से डॉक्टर है वहाँ पर, कैंसर के डॉक्टर किस टाइप के डॉक्टर्स हैं। तो आप लोग वीडियोस में देखते होंगे मेरे चैनल के अलावा भी बहुत सारे वीडियोस इंस्टाग्राम पर भी, जो जैनुल आबिदीन बापू हैं जो वो वीडियोस अपलोड करते हैं, एक चैनल है उनका क्या AS कादरी नाम से शायद, वहाँ पर कैंसर के ये गेवनशाह दरगाह के वीडियोज़ हमेशा अपलोड होते रहते हैं। तो यहाँ पर कैंसर के मरीज़ आते हैं और वो कहते हैं कि थर्ड स्टेज में था, फोर्थ स्टेज में था, हम दरगाह पर गए, हमने पानी लिया, दरगाह का पानी पिया, रूहानी इलाज किया हमने और अब हम दोबारा से आए हैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए क्योंकि हम पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। तो ठीक हो गए हैं, बेशक शिफा देने वाली जात जो है वो अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा कोई शिफा दे नहीं सकता। ये जैनुल आबिदीन बाबू भी कहते हैं और ये हम भी कहते हैं कि शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह ही शिफा देता है। तो दरगाह से हम एक वसीला लेते हैं कि हम उनके वसीले से दुआ जब मांगते हैं तो बेशक अल्लाह हमें शिफा देता है। तो इस तरह से यहाँ पर शिफा मिल जाती है और यहाँ पर सभी को शिफा मिल जाती है, सभी कैंसर के मरीज़ किसी भी धर्म जाति के पहुँचते हैं और वो वहाँ से ठीक हो जाते हैं। तो ये तो है कि हाँ ठीक हो जाते हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो कैंसर के मरीज़ वहाँ पहुँचते हैं वो ठीक ना हुए हों, तो ऐसा मैंने नहीं देखा है। हर मरीज़ जो भी दरगाह पर गया है वो ठीक होकर लौटा है। तो ये रहा उनका, लेकिन मैं यहाँ अपना बताऊँ तो आप लोगों के जो डाउट हैं कि क्या मैं ठीक हुई, तो मैं दरगाह पर गई थी और बेशक मैं ठीक हुई हूँ, ठीक हूँ मैं, रिपोर्ट्स अभी फ़िलहाल में मेरे ठीक ठाक हैं, लेकिन मैंने ट्रीटमेंट लिया है और ट्रीटमेंट के बाद मेरी रिपोर्ट्स भी अभी नॉर्मल हैं और मेरा ये रिकरेंस केस है, 4 साल के बाद कैंसर दोबारा से लौटा है। तो अभी देखते हैं कि कब तक ठीक है, ट्रीटमेंट और दुआ के अलावा कब तक ठीक है, ये डाउट है मेरे अंदर खुद ही। तो मैं इसको पूरा 100% नहीं कह सकती कि पूरी तरह से मैं क्योर हूँ, लाइफ टाइम के लिए क्योर हूँ, कब तक के लिए क्योर हूँ, ये मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ अपडेट करती रहूँगी जब तक हूँ दुनिया में हूँ, जब तक आप लोगों के साथ हमेशा अपना शेयर करती रहूँगी, अपना एक्सपीरियंस कैंसर की जर्नी अपनी शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ बाकी। और जब तक ठीक हूँ तब तक मैं यूट्यूब पर आती रहूँगी, तो जब तक हूँ तब तक आप लोग देखते रहिए कि मैं ठीक हूँ। और जिस दिन से वीडियो अपलोड होना बंद हो जाएंगे समझ लेना कि अब मैं दुनिया में हूँ ही नहीं। ओके, तो चलिए ये बात हटाते हैं, हम दूसरे कई सारे जो डाउट्स हैं कमेंट्स हैं उनको हम पूरा कर लेते हैं। एक दुआ है, अल्लाह हिदायत दे आपको, तो हिदायत की बात वही है कि आप लोग इस तरह की कॉमेंट कर देते हैं कि हिदायत दे, तो मैं भी एक ही गॉड पर बिलीव करती हूँ, एक ही अल्लाह पर भरोसा करती हूँ, हिदायत दे। तो ये हमारा एक वसीला है, हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमारा वसीला है, वसीले से अल्लाह की से दुआ मांग सकते हैं और बेशक अल्लाह शिफा देने वाला है। इनका एक डाउट है कि टाइप 1 डायबिटीज़ का इलाज होता है क्या, तो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ों का इलाज भी होता है, लेकिन सेम उसी तरह से होता है जिस तरह से कैंसर के मरीज़ों का इलाज किया जाता है, वैसे ही डायबिटीज़ के पेशेंट्स का भी इलाज किया जाता है। वहाँ पर दरगाह का पानी दिया जाता है और शिफा वाले ताबीज़ होते हैं, उसी तरह से
इलाज दिया जाता है, तो डायबिटीज़ के मरीज़ भी वहाँ पहुँचते हैं और वो भी वहाँ से शिफायाब हो जाते हैं। और दूसरा कमेंट है, आपको मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो में ये भी बताया करें कि ट्रीटमेंट चालू हो तो भी दरगाह पर जा सकते हैं या ट्रीटमेंट चालू रखना पड़ेगा उस दरगाह पर जाने के लिए। तो ट्रीटमेंट अगर आपका चालू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम मैं खुद ही गई थी, मेरा कीमोथेरेपीज़ के ट्रीटमेंट चल रहे थे और थोड़ी सी हालत सही हुई थी तो मैं दरगाह पर गई थी और वहाँ से दरगाह का पानी लेकर आए थे और शिफा वाला तावीज़ लेकर आए थे। तो वो जो रूहानी इलाज बताया जाता है वो भी घर में आकर किया और उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट कीमोथेरेपी का साइकिल लेने के लिए फिर से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई गए थे। हम अपना चौथा कीमो साइकिल लिया था और वो जो दरगाह वाला जो उपाय था वो 42 दिन के तावीज़ होते हैं वो अपने पूरे कंप्लीट किए थे। तो इस तरह से आप लोग अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए, ट्रीटमेंट चालू रखिए, अपना इलाज चालू रखिए। जो भी जहाँ से भी आप अपना इलाज ले रहे हैं कैंसर का, वो आप इलाज को कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए, उसको बंद मत कराइए। और उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं दरगाह पर तो आप जाइए और वहाँ से जो उपाय बताए जाते हैं और जो दरगाह का पानी होता है वो आप लेकर आइए और जिस तरह से वहाँ पर इलाज बताया जाएगा कैंसर का रूहानी इलाज वो भी आप करेंगे घर आकर, तो बेशक आप ठीक हो जाएंगे। ओके, और दूसरा है मैं नेक्स्ट कमेंट है, दरगाह का पानी कहाँ से मिलता है, कौन देता है? तो दरगाह का जो पानी है वो आपको दरगाह पर जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर दरगाह के अंदर ही कई सारी दुकानें हैं जो कि पानी बेचते हैं, दरगाह का पानी सेल किया जाता है। और जो दरगाह का पानी होता है वो सेम पानी की बॉटल्स जो आप बिस्लेरी और एक्वा गार्ड जो पीते हैं वैसी टाइप की बॉटल्स होती हैं, लेकिन वो सील पैक नहीं होती, वो खुली हुई होती है जिसके अंदर दरगाह का पानी तावीज़ के साथ मिलाकर आपको दिया जाता है। और जो बॉटल होती है पानी की, एक बॉटल वो 20 रुपये की एक बॉटल होती है, वो पानी आपको ख़रीदना होता है। दरगाह के अंदर ही दुकानें हैं, वहाँ से आप पानी खरीद सकते हैं। और तावीज़ वो भी आपको दरगाह में ही मिलेंगे, लेकिन आपको उनको बताना होगा कि आपको किस इलाज के लिए तावीज़ चाहिए। अगर आपको नॉर्मल किसी किडनी इन्फेक्शन है या फिर डायबिटीज़ है उसके लिए तावीज़ लेने हैं तो आप उनको बताएंगे तो वो आपको क्वांटिटी में बताएंगे कि आपको कितने तावीज़ कब तक पीने हैं। और कैंसर का इलाज के लिए जो तावीज़ दिए जाते हैं वो आपको 42 तावीज़ लेने होते हैं जो कि आपको कंटिन्यू 42 दिन तक उनको रेगुलर पीने होंगे। तो किस तरह से पीने हैं वो उपाय भी हम इस वीडियो में बता देंगे आप लोगों को, ताकि दोबारा से आप लोगों के अंदर कोई डाउट्स ना रहें। वीडियो जो भी पूरा देखेंगे उनको सारे डाउट्स इनके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। तो दरगाह का जो पानी है वो दरगाह के अंदर ही मिलता है। और एक कमेंट और है कि दरगाह पर किस तरह के कैंसर के डॉक्टर हैं, वहाँ पर जो कैंसर के डॉक्टर हैं वो सभी तरह के कैंसर का इलाज करते हैं क्या? तो यहाँ आपको सबसे अहम जो डाउट है वो ये है कि कैंसर के डॉक्टर जो दरगाह पर लिखा हुआ है कैंसर के डॉक्टर गेवन शाह, तो ये जो डॉक्टर हैं वो कोई डॉक्टर नहीं है कि आप उनसे रूबरू हो जाएंगे और उनसे अपना कैंसर का इलाज, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, वो आपको इलाज देंगे, तो ऐसा नहीं है। जो दरगाह है वही कैंसर के डॉक्टर है, वहाँ से ही आपको शिफा मिलेगी, वहीं से आपको कैंसर का इलाज मिलेगा, वहीं से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वहीं से आपको दुआएं मिलेंगी, जिससे कि आप वहाँ से दुआएं लेकर कैंसर से शिफा पा लेंगे, शिफायाब हो जाएंगे, कैंसर से फ्री हो जाएंगे। तो जो कैंसर के डॉक्टर हैं वो एक दरगाह है, दरगाह पर ही कैंसर के डॉक्टर हैं, कोई इंसान नहीं है जो आप उनसे रूबरू मुलाकात कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक और सवाल है कि ये जो पानी है दरगाह का ये कितने दिन तक पीना होता है? तो ये जो दरगाह का पानी है ये कैंसर के मरीज़ जब घर लेकर आते हैं दरगाह से पानी, तो उनको ये तावीज़ वाला पानी 42 दिन तक पीना होता है, लेकिन 7 दिन के अंदर उनको एक उपाय भी करना होता है जो कि रूहानी इलाज होता है, कैंसर का रूहानी इलाज। तो पानी आप 42 दिन तक पियेंगे और 42 तावीज़ लेकर आपको आने हैं, और ये जो तावीज़ होते हैं वो सूर्य फातह अलहमदो शरीफ के तावीज़ होते हैं, उसको आपको रात में भिगाना होता है। रात में जो टाइम है भिगाने का वो ईशा की नमाज के बाद का टाइम है, जो कि 8:30 बजे रात में आपको वो तावीज़ भिगाने हैं दरगाह वाले पानी में, एक गिलास या फिर एक कप पानी में आप भिगाएंगे। और वो जो तावीज़ है वो जाफरान से लिखा हुआ है, सैफरान से लिखा हुआ है, जो कि ऑरेंज कलर का, पीले कलर का होता है, पानी में घुलने के बाद वो पानी का कलर चेंज हो जाता है, और सुबह खाली पेट आपको वो पानी पीना है। तो अगर कैंसर से मुकम्मल शिफा चाहिए है, पूरी तरह से ठीक होना है, तो दरगाह का जो पानी है वो 42 दिन तक तावीज़ भिगा कर आपको पीने हैं,
और उसके बाद 7 दिन तक जब आप पियेंगे तो उसके लिए आपको कैंसर का रूहानी इलाज जो दरगाह पर बताया जाता है वो भी आपको करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया है किस तरह से वो रूहानी इलाज करना होता है तो आप लोग अगर कमेंट्स करेंगे तो मैं फिर से इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी कि कैंसर का रूहानी इलाज किस तरह से बताया जाता है दरगाह पर, क्योंकि अभी बता दूंगी तो फिर आप कहेंगे कि ये अंधविश्वास है, ऐसा नहीं होता है, कोई मजाक उड़ाएगा इस तरह से। तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी जगह का अपमान किया जाए, किसी भी होली प्लेस का मजाक उड़ाया जाए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी कि कैंसर का रूहानी इलाज गेवन शाह दरगाह से किस तरह से मरीज लेकर आते हैं, किस तरह से उपाय बताए जाते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो मैं बाद में बताऊंगी। और अभी हम नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट है, मैम हम हिंदू धर्म से हैं, मेरी मॉम को 4th स्टेज का कैंसर है, क्या वो ठीक हो सकती हैं? तो और यहाँ एक और है, मैम किसी भी दिन जा सकते हैं दरगाह पे। और तीसरा कमेंट है, पैरालाइज का इलाज भी होगा क्या? और तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, हिंदू धर्म से हैं अगर आप तो आप जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते हैं तो यहाँ धर्म का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो शिफा मिलती है वो सभी को मिलती है, सभी लोग यहाँ से कैंसर के जो मरीज़ हैं वो यहाँ से कैंसर से क्योर कर लेते हैं। तो धर्म से यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, आप किसी भी धर्म के हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप जा सकते हैं और सेम उसी तरह से आपको इलाज बताया जाएगा। वो इलाज अगर आप पूरा रेगुलर पूरे भरोसे के साथ करेंगे तो बेशक आप ठीक हो जाएंगे, ओके। और दूसरा जो कमेंट था कि आप पैरालाइज वाले पेशेंट भी वहाँ जाते हैं, तो पैरालाइज वाले पेशेंट भी जाते हैं। और आपका दूसरा डाउट कि दरगाह पर किसी भी दिन जा सकते हैं, तो दरगाह पर आप किसी भी दिन जा सकते हैं, हर दिन दरगाह खुली है, किसी भी दिन जाकर आप दरगाह से पानी ला सकते हैं, वहाँ से तावीज़ ला सकते हैं, कैंसर का रूहानी इलाज बताया जाएगा वो भी आप लेकर आ सकते हैं वहाँ से, और बेशक आप ठीक हो जाएंगे। तो आप किसी भी दिन जाकर दरगाह पर होकर आइए, वहाँ से तावीज़ लेकर आइए, पानी लेकर आइए और पूरे भरोसे के साथ वो उपाय कीजिए, बेशक आप ठीक हो जाएंगे। और तीसरा डाउट कि क्या पैरालाइज वाले पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं, तो पैरालाइज वाले पेशेंट भी ठीक हो जाते होंगे, क्योंकि ऐसा तो मैंने नहीं देखा कि पैरालाइज वाले पेशेंट कोई ठीक हुए हों, लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा था कि दो छोटे छोटे बच्चे थे जो पैदाइशी नाबीना थे, जो देख नहीं पाते थे, जो ब्लाइंड थे, अंधे थे, और दरगाह पर इस तरह से वो कंटिन्यू दरगाह पर उनके माँ बाप उनको लेकर आए और दरगाह से जो उनको उपाय बताए गए, रूहानी इलाज बताया गया, वो उन्होंने अमल किया उस पर और उनको धीरे धीरे हल्का धुंधला दिखाई देने लगा था, तो उनकी रोशनी वापस आ गई थी। ऐसा चमत्कार ज़रूर मैंने सुना था दरगाह पर जब मैं पहुंची थी। तो इस तरह से आप YouTube पर उनकी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गेवन शाह दरगाह से अंधे जो बच्चे थे उनको भी वहां से इलाज मिला था, वो देखने लगे तो उनकी आँखों की रोशनी वापस आ गई थी। और रहा पैरालाइज का कि पैरालाइज ठीक हो सकता है, तो पैरालाइज के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो रामदेव बाबा जी हैं, वो भी पैरालाइज थे और किस तरह से उन्होंने योगा और एक्सरसाइज करके अपने आप को ठीक किया, पैरालाइज होने के बावजूद वो फिर वापस से नॉर्मली चलने लगे, किस तरह से वो पैरालाइज को उन्होंने ठीक किया योगा और एक्सरसाइज से, वो आप उनकी वीडियोस को देखिए, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और किस तरह से वो ठीक हुए और किस तरह से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर रामदेव बाबा की तरह आप भी कोशिश करेंगे तो बेशक आप भी पैरालाइज से मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। और दरगाह पर अगर आप जाना चाहते हैं, वहाँ से ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, दुआएं लेना चाहते हैं, तो बेशक आप जाइए, अल्लाह आपको अच्छा करेंगे, बेशक आप ठीक हो जाएंगे, ओके। और दूसरा जो डाउट है वो, और अगर मैं आप लोगों के कॉमेंट्स का रिप्लाई टाइम पर नहीं दे पाती तो प्लीज़ दिल पे मत लिया कीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश किया कीजिए कि मैं एक पेशेंट हूँ और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं आ पाती और घर में दूसरे काम होते हैं, रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, उस वजह से। तो मेरी नज़रअंदाजगी को दिल पे मत लिया कीजिए, और अगर दिल पे जिन्होंने ले लिया, जिनको बुरा लग जाता है, उनके लिए दिल से माफ़ी चाहूँगी, दिल से सॉरी, दिल पे मत लिया कीजिए। और अब हम अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि बातें बहुत देर से आप लोगों से कर रही जो मैं, वो अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा सिर में भारीपन और चक्कर सा आने लगा, क्योंकि पंखा बंद है, वॉइस क्लियर नहीं आती उस वजह से। और बताया भी है पहले 2-3 वीडियो में कि मैं घर में नहीं हूँ, तो रोड पर से ये ट्रैफिक वगैरह का शोर चला हुआ होता है। वीडियो मैं कंटिन्यू अभी नहीं बना पा रही क्योंकि मुझे
चक्कर वक्कर आने लगते हैं ज़्यादा देर मोबाइल स्क्रीन के सामने बातें करने से, सिर में दर्द होने लगता है, तो इस वजह से। और अभी हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमेशा हमें भी याद रखिए।